हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ियाराफ ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं हूं ज़ुहैब और अभी तक हमारा 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये है लेक्चर नंबर 9 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेल मेम्ब्रेन। चैप्टर चल रहा है हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 11th का चैप्टर है और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो सेल मेम्ब्रेन है। और आज के लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनेली। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि कुछ लोग जो वेबसाइट पर आए हुए हैं, जो कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइन अप किया है लेकिन उन्होंने मेंबरशिप ऑन नहीं की है, तो मैं बता दूं उन्हें कि मेंबरशिप जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको डेली प्रैक्टिस शीट नोट्स दिखाई नहीं देगा। तो मेंबरशिप में जाइए, वहाँ पर गेट स्टार्टेड कीजिए, उसके बाद आपका मेंबरशिप चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर जा कर के कोर्स में जाइए, कोर्स में जा कर के सारे चैप्टर आपको दिखाई देंगे। उसमें से सबसे टॉप पे जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वो चैप्टर आपको दिखाई देगा। तो उस चैप्टर को खोलिएगा तो आपको सारे नोट्स और हर लेक्चर के नोट्स और डेली प्रैक्टिस शीट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो लास्ट सेल मेम्ब्रेन में हम लोग कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लिए थे और अभी शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं। पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल PEG यूज्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, साइब्रिड फॉर्म्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है यहाँ पे कि पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल PEG पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है सोमैटिक सेल के फ्यूजन के लिए। तो ये सोमेटिक सेल क्या होती है, तो बॉडी में जितने भी सेल है रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल है बॉडी में वो सारी सेल क्या है, सोमेटिक सेल है। ठीक है, तो पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल जो है क्या है कि सोमेटिक सेल के फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि पहले जब दो सेल फ्यूज करते हैं तो पहले उन सेल का सेल मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, फिर उन सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं साइब्रिड। क्या कहते हैं, साइब्रिड। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद जो चीज तैयार होगा उसको बोलेंगे साइब्रिड। क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दो सोमैटिक सेल फ्यूज कर गई तो एक नया तरह का हाइब्रिड सेल बनेगा, इसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। लिपिड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई बेंजीन। तो बता चुका हूँ मैं आपको कि मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर। तो ये जो मेम्ब्रेन का जो लिपिड वाला नेचर है इसको क्या किया जा सकता है कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है बेंजीन की मदद से। किसके, बेंजीन की मदद से। एक्वापोरिन्स आर ए क्लास ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स दैट फॉर्म पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स, दीज सेलेक्टिवली कंडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो नोन एज चैनल्स। तो एक्वापोरिन्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन जो धसे होते हैं मेम्ब्रेन में, तो उनमें से कुछ ऐसे प्रोटीन जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन की उस पार से इस पार सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को कंडक्ट करते हैं। तो जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में क्या होता है कि धसे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कंडक्ट करते हैं मेम्ब्रेन सेल के बाहर से, मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जो प्रोटीन वाटर मॉलिक्यूल को लेके आते हैं उन प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, और उन प्रोटीन को हम लोग चैनल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैनल्स। इन 2003 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवार्डेड टू पीटर एग्रे फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्वापोरिन्स एंड जॉइंटली टू रोडरिक मैकिनॉन फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ आयन। तो 2003 में नोबेल प्राइज मिला था पीटर एग्रो को। किसको, पीटर एग्रो को मिला नोबेल प्राइज 2003 में, क्योंकि इन्होंने एक्वापोरिन की डिस्कवरी की थी। तो एक्वापोरिन डिस्कवरी किसने की, पीटर एग्रो ने की थी 2003 में और इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज जो है रॉड्रिक मैकिनॉन को भी मिला था, रॉड्रिक मैकिनॉन को भी मिला था, क्योंकि रॉड्रिक मैकिनॉन ने काम किया था स्ट्रक्चर पे और ऑपरेशन पे, स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखा था आयन के। ठीक है, तो देख रहे हैं ये है पीटर एग्रे, फोटो दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में,
ये पीटर एग्रे हैं, फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मेम्ब्रेन क्या करती है मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराती है। तो द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट्स। तो मेम्ब्रेन क्या होती है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि हर चीज, हर तरह के सॉल्यूट को, हर तरह के पार्टिकल को, हर तरह के लिक्विड को वो अपने आर पार जाने नहीं देगी, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को, उन्हीं सिलेक्टेड सॉल्यूट को वो आर पार जाने देगी जिसको वो अलाउ करेगी। तो मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है वाटर के लिए और कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट के लिए। द मेम्ब्रेन कंट्रोल्स परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन क्या करता है कि परमिएबिलिटी कंट्रोल करता है, मतलब कि सेल का जो मेम्ब्रेन है कोई भी चीज सेल के अंदर अगर इंटर करेगा वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही इंटर करेगा, क्योंकि बाहर मेन बाउंड्री जो है मेम्ब्रेन है जो कि किसी चीज को अलाउ करता है सेल के अंदर आने के लिए। तो मेम्ब्रेन ही है जो कि परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। इट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ मिनरल मे इंटर इनसाइड द सेल और मे नॉट। तो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि किस तरह का मिनरल, किस तरह का सॉल्यूट, किस तरह का पार्टिकल सेल के अंदर आएगा, किस तरह का पार्टिकल सेल के अंदर नहीं आएगा। कंट्रोल परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करता है परमिएबिलिटी को, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ऑस्मो रेगुलेशन करता है सेल तो परमिएबिलिटी का कंट्रोल करना मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन करना। दिस सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाय दिस मेथड इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मेथड से, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मेथड से सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रखता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। द पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अकर्स बाय थ्री मेथड। तो कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तीन मेथड से। पहला मेथड है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटर करता है, और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि डाउनहिल, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि कोई चीज है वो सेल के अंदर इंटर कर रही है, तो उस चीज को सेल के इंटर कर तो रही है, तो वैसा करने के लिए सेल को क्या करना पड़ा कि कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी। मतलब सेल कोई चीज को सेल बाहर से अंदर ले रही है बिना एनर्जी खर्च किए, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं डाउन हिल। तो इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर सेल के अंदर आ जाता है और सेल को एनर्जी भी खर्च करनी नहीं पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होता है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। जब पार्टिकल मूव करता है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से, ठीक है, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। उसी तरह सेल के किस्म क्या होता है कि कोई मिनरल है जो कि सेल के बाहर ज्यादा है, उस मिनरल का अमाउंट सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो उस मिनरल का ज्यादा है, लेकिन उस मिनरल का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है कम है, तो सेल क्या करेगी, सेल के अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो मिनरल सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मिनरल आ जाएगा, तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन तरीके से सेल मिनरल को ले लेती है। फिर एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि एम्बेडेड प्रोटीन एक्ट एज टनल अलाउइंग पार्टिकल्स टू फॉल थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं, वो प्रोटीन क्या होते हैं कि एक टनल की तरह काम करते हैं, ठीक है, उन प्रोटीन में
एक गैपिंग एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है उस प्रोटीन उस पाइप के जरिए, मतलब कि प्रोटीन जो है टनल के शेप का है, उस प्रोटीन के जरिए जब पार्टिकल बाहर से अंदर आ जाते हैं उसको कहते हैं ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इस केस में भी कोई भी एनर्जी सेल को खर्च करनी नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझाते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे कोई चीज फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट दिखाई दे रहे हैं, इस वाले सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ बहुत ज्यादा है, इस वाले सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस वाले में वाटर का अमाउंट, इस वाले में वाटर का अमाउंट क्या है, कम हो गया, और इस वाले में वाटर का अमाउंट ज्यादा, मतलब कि इस वाले में डब्बे में क्या है, इस वाले खाने में वाटर का अमाउंट कम है लेकिन इसमें वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो वाटर क्या होगा कि अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, मतलब वाटर जो है इस साइड से इस तरफ फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट फिगर में देखिए वाटर जब फ्लो करके आया तो ऐसा दिखाई देगा हम लोग को, ये वाला आ रहा समझ में। तो यहां पे वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो दिखाते हैं यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या है मेन। देखिए अगर एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं, इस आदमी को अगर यहां पे पत्थर को फेंकना है नीचे जमीन पे, तो वो आदमी क्या करेगा, पहाड़ पे से डायरेक्टली पहाड़ पे जाके पत्थर को छोड़ देगा, ऑटोमेटिकली वो पत्थर नीचे आ जाएगा। हमको पत्थर को नीचे जलाने के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, ये क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पत्थर ऑटोमेटिकली पहाड़ की ऊंचाई से पहाड़ के नीचे आ गया, हमको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी। अगर वही बात उल्टा पड़ जाए, हमको क्या करना पड़ा कि अब पत्थर को ऊपर ले जाना पड़ा पहाड़ पे, तो और हम तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि नीचे से पत्थर फेंका और पहाड़ के ऊपर जाके पत्थर पहुंच गया, तो हम लोग क्या पत्थर को कैरी करके पहाड़ के ऊपर ले आना पड़ेगा, मतलब पत्थर को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके इस जगह में पहुंचाना है, तो हम लोग को क्या होगा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पत्थर को कैरी करके पत्थर को ले करके खुद से पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा तभी पत्थर वहां पर पहुंचेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च करनी पड़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन इस वाले केस में ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ रही है। तो उसी तरह सेल मेम्ब्रेन केस में देखते हैं, देखिए यहां पे ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा है, ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर का हिस्सा है, जब ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा मतलब कि सेल वाला हिस्सा, ये सेल का हिस्सा है सेल के अंदर का, ये सेल के बाहर का हिस्सा हो गया। तो सेल के बाहर क्या है कि अमाउंट जो है मॉलिक्यूल का मिनरल का बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर में बहुत कम है, तो क्या होगा कि इधर कंसंट्रेशन हाई हो गया और इधर कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और जो ये पार्टिकल सेल के बाहर हैं वो पार्टिकल सेल के बाहर से सेल के अंदर आने लगेंगे डिफ्यूज करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और तब तक आते रहेंगे जब तक कंसंट्रेशन जो है इन पार्टिकल का इधर और इस साइड दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाता, दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाता तब तक। और देखिए वो सिंपल डिफ्यूजन था अभी दिखाया मैंने, और ये वाला जो है ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें देखिए पार्टिकल बाहर से इस साइड आ रहा है एक प्रोटीन चैनल के थ्रू, प्रोटीन जो है कैनाल की तरह काम कर रहा है, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है कि यहां से इस पाइप के थ्रू इस साइड आ रहा है, तो ये क्या हुआ कि पार्टिकल को सेल के बाहर सेल के अंदर आ रहा है किसी चीज की जरिया आ रहा है, किसी चीज की मदद से आ रहा है, वो जरिया क्या है, वो जरिया है प्रोटीन, प्रोटीन के जरिए आ रहा है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको बोलेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, तो डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन का जो स्पीड है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज की वजह से डिफ्यूजन का स्पीड बढ़ सकता है, किस चीज की वजह से डिफ्यूजन का स्पीड घट सकता है। द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट
the bigger the difference between the two sides of the membrane, the quicker the rate of diffusion. तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि एक तरफ सेल के पार्टिकल का अमाउंट जब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जबकि सेल के अंदर क्या हो रहा है कि पार्टिकल का अमाउंट, मिनरल का अमाउंट बहुत घटता चला जा रहा है, कम है. अब बाहर जबकि पार्टिकल अमाउंट बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा. क्या होगा? बहुत तेजी से होगा, फास्टर होगा. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है. टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर गिव्स मॉलिक्यूल और आयंस मोर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड फास्टर, सो डिफ्यूजन इज फास्टर. तो टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल और आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल और आयन और ज्यादा तेजी से और ज्यादा फास्टली मूव करने लगेगा. जैसे ही मॉलिक्यूल और आयन फास्टली मूव करेगा तो क्या होगा कि डिफ्यूजन जो है बढ़ जाएगा और तेजी से होने लगेगा. फिर बात करते हैं सरफेस एरिया, द ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर द डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस. तो सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ जा रहा है, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना तरफ से मॉलिक्यूल और आयन सेल के अंदर इंटर करेंगे, तो उतना ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन होगा. तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा. द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन डिफ्यूजिंग, लार्ज मॉलिक्यूल नीड मोर एनर्जी टू गेट देम टू मूव, सो दे टेंड टू डिफ्यूज मोर स्लोली. तो यहां पर यह कह रहा है कि किस तरह का मॉलिक्यूल या किस तरह का आयन सेल के अंदर इंटर कर रहा है, ये कह रहा है. अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है तो उस बड़े मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो क्या होगा कि बड़े मॉलिक्यूल को क्या होगा कि सेल के अंदर आने में दिक्कत होगी, तो डिफ्यूजन उस केस में क्या होगा, स्लो हो जाएगा. फिर बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर इजिली देन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड टेल. तो यहां पर बता रहा है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होगा, मतलब कि जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा वो मॉलिक्यूल जो है जल्दी ज्यादा आसानी से ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगा पोलर मॉलिक्यूल के मुकाबले. तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड की बाई लेयर होती है, इसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर क्या होता है, टेल होता है. तो क्या होगा कि नॉन पोलर टेल होने की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाएगा, आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा, ज्यादा तेजी से डिफ्यूज कर जाएगा. तो ग्राफ देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ रहा है, डिफरेंस जो है बढ़ रहा है कंसंट्रेशन का, वैसे डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का रेट, डिफ्यूजन का रेट बढ़ रहा है. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ देखिए, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ थोड़ा कर्व है. सबको लिखते चलिएगा, नोट्स तैयार करते रहिए, और नोट्स में वेबसाइट पे भी डाल रहा हूं, वहां पर से नोट्स ले सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, और सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हर लेक्चर से मैं वहां पर दे देता हूं एग्जाम के क्वेश्चन. तो जैसे तैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता, वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं. फिर बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपफील्ड ट्रांसपोर्ट या पंप. एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं अपफील्ड ट्रांसपोर्ट. जैसा कि मैंने देखा है आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, पत्थर क्या हो रहा है कि ऊपर ले आना पड़ रहा पहाड़ के ऊपर, तो अपहिल ले आना पड़ा पहाड़ के ऊपर लेना पड़ रहा है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं या उसको पंप कह सकते हैं. पंप, एनर्जी इज नीडेड टू मूव पार्टिकल बिकॉज इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द सेल मेंटेन्स इट्स आयनिक बैलेंस कैरियर प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड. तो कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पार्टिकल का मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. क्योंकि एनर्जी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिकल मूव कराया जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में.
by the help of the actin transport mechanism, cell maintain its ionic balance. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की मदद से सेल अपना आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. कैरियर प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन क्या है पहले देख लेते हैं. और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ सारे प्रोटीन के बारे में. इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, लिंकेज प्रोटीन क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले लेक्चर में. अगर डायरेक्ट इसी लेक्चर को आप देख रहे हैं तो पहले आप लेक्चर नंबर वन से शुरू कीजिए और यहाँ पे आइए, फिर आपको समझ में आएगा अगर आप नए हैं तो. इमिडेट प्रोटीन्स चेंज शेप टू ओपन एंड क्लोज पैसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन. कैरियर प्रोटीन क्या है, तो मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन है जो धसे हुए हैं, लगे हुए मेम्ब्रेन में प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं कि अपना शेप चेंज कर देते हैं जब उनको कोई भी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर लाना पड़ होता है, तब वो होते हैं कैरियर प्रोटीन. एक बार में वो एक मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं और फिर सेल के अंदर इंटर कराते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. यहाँ देख रहे हैं कि पत्थर को ऊपर ले जाना पड़ रहा है तो बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे पत्थर को जब नीचे कोई आदमी पार गया पत्थर को नीचे छोड़ दिया तो नीचे पत्थर को ले जाने के लिए हमको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी, बस ऊपर गए पत्थर को छोड़ा तो पत्थर ऑटोमेटिकली नीचे आ गया. लेकिन इस केस में पत्थर को नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो बहुत एनर्जी लगेगी. तो ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट. समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट डालिए नीचे, पूछिए मुझसे क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको. तो देखिए यहां पर जब प्रोटीन किसी टनल के थ्रू मतलब कि फैसिलिटेटेड प्रोटीन के थ्रू अगर जब क्या जब कोई मॉलिक्यूल जो है किसी जब कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा है कि किसी प्रोटीन के जरिए सेल के अंदर इंटर कर रहा है, जब कोई मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन के जरिए सेल के अंदर इंटर कर रहा होता है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. अब वो इंक्लूडेड है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि ऐसे ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है. उसी तरह यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है आपको एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको. कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि बाहर से एक मॉलिक्यूल आया तो यहां पे आके अटका, फिर ये प्रोटीन क्या हुआ कि इस साइड से क्लोज हो गया, इस साइड से अपने को बंद कर लेगा और इस साइड से अपने को क्या करेगा खोल लेगा. तो जो प्रोटीन यहां पे इंटर कर गया अंदर वो इस तरफ दूसरी तरफ निकल जाएगा. और ये दिखाई दे रहा है ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या रहा है उल्टा जा रहा है, सेल के अंदर से बाहर जा रहा है. देख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है. और जब पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है तो एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. और जब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, जब प्रोटीन जा रहा है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कैरियर प्रोटीन के जरिए क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है जो अंदर सेल के वो सेल के बाहर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है. और ये दिखाई दे रहा है ये है सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कि बिना किसी भी प्रोटीन के जरिए पार्टिकल जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर आ गया है, आ रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा, कोई भी एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ रही क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन हाई है अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल आ रहा है. आया समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन चीज दिखाई दे रही है, एक है चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन. ये सिंपल डिफ्यूजन और एक है चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन और एक है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट में. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के
के अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एनर्जी खर्च हो रही है। यहां पर देखिए, अगर अगर एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है, एक बार में एक मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। या एक बार में एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है, तब अगर एक बार में दो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है या सेल के अंदर से बाहर जाता है, एक बार में दो मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे सिम्पोर्ट, ठीक है। और अगर एट ए टाइम एक बार में एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग एंटीपोर्ट। क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। तो देखिए यहां पर थोड़ा 3D फिगर देखिए, समझ में आ रहा होगा। एक बार में एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर कर रहा है या सेल से बाहर जाएगा तो यूनिपोर्ट बोलेंगे। अगर एक बार में एक दो मॉलिक्यूल अंदर आया तो बोलेंगे सिम्पोर्ट, ठीक है, या दो मॉलिक्यूल सेल से बाहर गया तो सिम्पोर्ट बोलेंगे। और अगर एक बार में एक मॉलिक्यूल इंटर कर रहा है और उसी सेम टाइम एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटीपोर्ट। क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। और ये क्या दिखाई दे रहा है? ये सब प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम आयन सोडियम पोटेशियम पंप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक पहला एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आपको मैं बताता हूँ। इसका फंक्शन है टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, यूटिलाइजेस द एनर्जी ऑफ एटीपी टू मूव द सोडियम एंड पोटेशियम अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड द सेल एंड द लार्ज एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन ऑन द इनसाइड। इट एनकॉम्प्लिशेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ द थ्री सोडियम आयन to the outside of the cell and the transport of the two potassium ion to the inside। तो कह रहे हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि प्रोटीन के जरिए क्या होता है कि सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर सेल के बाहर, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि सेल के बाहर से दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं, दिखाई दे रहा आपको टू पोटेशियम आयन, क्या हो रहा है, दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं और फिर क्या होता है कि तीन सोडियम आयन सेल से बाहर जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसके जरिए क्या होता है कि तीन सोडियम आयन सेल के बाहर जाता है और दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर आता है, ताकि पोटेशियम और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है, मतलब बैलेंस जो है, सेल मेंटेन करके रखें। यही है सोडियम पोटेशियम पंप। देख सकते हैं यहां पर कि तीन सोडियम आयन बाहर जा रहा है, ये देखिए बाहर जा रहा है, यहां पे देखिए आउटसाइड की तरफ जा रहा है, तीन सोडियम आयन बाहर चला गया और फिर क्या हुआ कि दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ रहा, पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ रहा और ये देखिए सेल के अंदर आ गया। फिर इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू होगा, फिर दो तीन सोडियम आयन सेल के बाहर जाएगा और फिर वापस तीन पोटेशियम आयन सेल के बाहर से अंदर आएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। फिर दूसरा है एग्जांपल हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन पंप। तो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन पंप देखने मिलता है हम लोग को ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का जो ओपनिंग, स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा बंद होता है, तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन पंप वहां पर काम करता है। तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उतना बस याद रखिए, अगर काम आएगा आगे तो मैं हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन पंप भी मैं बता दूंगा। कैल्शियम आयन और एफ ई आयन पंप भी होता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है ये भी।
और क्लोरीन आयन ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है. क्लोरीन आयन पंप, क्लोरीन में क्या माइनस आयन यहाँ पे. अब बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है और बल्क ट्रांसपोर्ट कितने मेथड से होता है. तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है दो मेथड से होता है. बल्क ट्रांसपोर्ट होता क्या है, जब बहुत सारे पार्टी इकट्ठा होकर के बाहर से सेल के बाहर सेल के अंदर आते हैं या सेल के अंदर सेल के बाहर जाते हैं तब उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. तो बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंडोसाइटोसिस होता है और एक होता है एक्सोसाइटोसिस. क्या होता है, इंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस. पहले हम बात करते हैं इंडोसाइटोसिस की, ठीक है. इन इंडोसाइटोसिस देयर इज अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय सेल. इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल जो है बाहर से मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर लेती है, ठीक है. सेल क्या करेगी, मैक्रोमोलिक्यूल को बाहर के एनवायरमेंट से अंदर लेगी इंडोसाइटोसिस में. इंडोसाइटोसिस भी दो टाइप का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस. अपटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल, तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल कोई चीज सॉलिड मटेरियल को बाहर से अंदर लेती है, मतलब सेल क्या कर रही है, ईटिंग कर रही है, खा रही है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैगोसाइटोसिस. जब सेल कोई लिक्विड मटेरियल को सेल के बाहर से सेल के अंदर लेगी, इनटेक ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल, मतलब कोई फूड मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब सेल कोई चीज को पिएगी, ड्रिंक करेगी. यहां पे सेल ड्रिंकिंग लिख लीजिएगा, यहां पे ड्रिंकिंग है, ईटिंग नहीं है, यहां पे क्या है, ड्रिंकिंग. जब कोई सेल ड्रिंकिंग करेगी तो हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस बोलेंगे. तो याद रखिएगा फैगोसाइटोसिस टर्म दिया था मेकनिकॉफ ने दिया था, फैगोसाइटोसिस टर्म दिया था मेकनिकॉफ ने, और फिर पिनोसाइटोसिस टर्म दिया था लेविस ने. ओके, फिर बात करते हैं बोथ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस टुगेदर नोन एज इंडोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है. इन एक्सोसाइटोसिस देयर इज अ बल्क एग्जिट ऑफ मटेरियल बाय द सेल. जब बल्क एग्जिट होता है मतलब कि बहुत सारा मटेरियल एक साथ ग्रुप में क्या होता है कि मटेरियल सेल के बाहर जाता है, सेल से एग्जिट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं. और एक्सोसाइटोसिस को हम लोग इफेगी बोलते हैं या फिर सेल वोमिटिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, इफेगी या सेल वोमिटिंग. बोथ एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस टुगेदर नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है. इंडोसाइटोसिस आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल. तो प्लांट के सेल में हम लोग को इंडोसाइटोसिस देखने नहीं मिलता है. The membrane has receptor for hormones which are located on the outer surface of the membrane. These receptors are made up of glycoprotein. क्या होता है, तो membrane के surface पे outer surface पे कुछ receptor लगे होते हैं, जो receptor असल में क्या है, glycoprotein है. तो glycoprotein receptor की तरह काम करते हैं और वो hormone को पहचानते हैं. अगर hormone को signal लेके आ रहा है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब रिसेप्टर जो है वो क्या होगा कि उस हार्मोन जो सिग्नल को लेकर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल सेल के अंदर भेजेगा. फिर बात करते हैं द मेम्ब्रेन आल्सो हैज स्पेशल टाइप ऑफ केमो रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव टू स्पेशल केमिकल. तो कह रहा है यहां पर कि मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप के स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं केमो रिसेप्टर. और ये केमो रिसेप्टर जो है स्पेशल टाइप के केमिकल के लिए ही चालू काम करता है. मतलब कि हर वो रिसेप्टर, हाँ बहुत सारे रिसेप्टर है और हर केमो रिसेप्टर जो है हर तरह के केमिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब कि हर तरह केमिकल रिकोगनाइज नहीं करेगा, हर तरह अलग अलग रिसेप्टर, हर एक इंडिविजुअल रिसेप्टर एक इंडिविजुअल तरह की इंडिविजुअल प्रकार के केमिकल को के लिए बना है, एक स्पेशल टाइप के केमिकल को रिकॉग्नाइज करेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है. इन प्रोकैरियोट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद
cell membrane. It is a site of oxidative phosphorylation in prokaryotes formation of ATP. यहाँ मैं कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनली मौजूद नहीं होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि रेस्पायरेशन करता है, सेलुलर रेस्पायरेशन. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कोई ऑर्गेनली है ही नहीं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि रेस्पायरेटरी रेस्पायरेशन के लिए जो भी चीज़ है वो कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन पे होती है. तो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है और यही साइट जो है सेल मेम्ब्रेन पे जो साइट है जिसको कहते हैं मेसोसोम. क्या कहते हैं, मेसोसोम, क्योंकि रेस्पायरेशन में हेल्प करता है. और मेसोसोम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में. मेसोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन में एक इमेजिनेशन है जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है. एटीपी का फॉर्मेशन होना उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के रेस्पॉन्सिबल कौन है प्रोकैरियोट्स के केस में, मेसोसोम, सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन पोजेस स्पेसिफिक एंटीजेंस. दीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. क्या हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप के एंटीजन होते हैं. असल में वो एंटीजन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है. ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं, ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं और यही एंटीजन जो है रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए. तो ब्लड ग्रुपिंग होती है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए प्लस, ए माइनस, ओ प्लस, ओ प्लस, ओ माइनस, ये सब एंटीजन का कमाल होता है. मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ये ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको, जब हम पढ़ेंगे ब्लड वाला चैप्टर. दिस सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट इन जनरल सेक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स. इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलस. सेल मेम्ब्रेन जो है मेटाबोलाइट के सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है. तो मेटाबोलाइट क्या होता है, अब बता चुका हूँ पहले भी कि मेटाबोलिक रिएक्शन चल रहे होते सेल के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो उस मेटाबोलिक रिएक्शन के लिए जिस केमिकल का जरूरत पड़ता है, जिस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, उस सब्सटेंस को हम मेटाबोलाइट कहते हैं. जिस ऑर्गेनिज्म में मेटाबोलिक रिएक्शन चल रही है वही ऑर्गेनिज्म जिंदा है. जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही, मेटाबोलिक रिएक्शन नहीं हो रहा, वो ऑर्गेनिज्म डेड है, वो चीज डेड है. फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन एज एन ऑस्मोटिक बैरियर. सेल मेम्ब्रेन एक ऑस्मोटिक बैरियर की तरह भी काम करता है. तो सेल मेम्ब्रेन में बिहेव एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बट इट इज नॉट ट्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज सिलेक्टेड सॉल्यूट कैन पास थ्रू इट. तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जैसा काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एक ट्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ सॉल्यूट, जो सिलेक्टेड सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट को सेल मेम्ब्रेन चाहता है, सिर्फ उन्हीं सॉल्यूट को सेल मेम्ब्रेन अपने थ्रू इजाजत देता है सेल के अंदर आने के लिए. ठीक है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर ओनली मॉलिक्यूल्स दैट कैन डिफ्यूज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें जिस डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकता है. ठीक है, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए उसको. अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है लेकिन सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का बहुत कम है तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी. क्या होगी, सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी, सूख जाएगी. तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे. ठीक है, अगर सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है, बैलेंस है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक. ठीक है, जब सेल श्रिंक कर जाएगी हाइपरटोनिक कंडीशन देखने मिलेगा तो सेल को बोलेंगे सेल क्या होगी, क्रेनेटेड होगी. जब सेल आइसोटोनिक कंडीशन में है तो सेल क्या है, नॉर्मल है. और फिर जब क्या है कि वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है लेकिन सेल के बाहर कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक. क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक. सेल क्या होगा,
फूल जाएगा, सेल क्या होगा स्वेल कर जाएगा, और जब अगर सेल के अंदर वेरी हाइपोटोनिक देखने मिला, मतलब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा देखने मिला, बाहर बहुत कम है, बाहर मतलब लगभग ना के बराबर है, तो सेल क्या होगी फट जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग लाइज्ड। क्या बोलेंगे? लाइज्ड। फिर बात करते हैं हम लोग इन प्रोटोजोआ फॉर ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट। प्रोटोजोआ में क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, प्रोटोजोआ में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं? द वैक्यूल विच इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड फंक्शन टू रिमूव वाटर आउट ऑफ द सेल। जो वैक्यूल सेल के अंदर मौजूद हैं और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और उनका फंक्शन ये है कि वो सेल के अंदर का वाटर सेल के बाहर रिमूव कर रहे हैं, उन वैक्यूल कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है प्रोटोजोआ के केस में। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी फॉर एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, तो किसी सब्सटेंस के लिए, मतलब कि एक सब्सटेंस मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे पार जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के साइज पे, उस सब्सटेंस का साइज क्या है, उस सब्सटेंस का मॉलिकुलर वेट क्या है, फिर उस सब्सटेंस की पोलरिटी क्या है, और फिर सब्सटेंस का चार्ज क्या है। सो मैं बता चुका हूँ आपको कि नन पूरा सब्सटेंस जल्दी डिफ्यूज करेगा सेल के बाहर, ज़्यादा जल्दी सेल के अंदर आएगा, ठीक है, वो सब बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी फटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। और जब आरबीसी क्या हो श्रिंक कर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रेनेशन। क्या बोलेंगे? क्रेनेशन, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट इन गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा। तो याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो है हम लोग को देखने मिलता है स्टोमेटा के गार्ड सेल में। किसमें? स्टोमेटा के गार्ड सेल में। बल्क ट्रांसपोर्ट हेल्प इन मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग। और बल्क ट्रांसपोर्ट क्या करता है? बल्क ट्रांसपोर्ट की मदद से मेम्ब्रेन को रिसाइकलिंग होने में हेल्प मिलती है, ठीक है। मतलब कि बल्क ट्रांसपोर्ट की मदद से मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली रिन्यू हो सकता है। पुराना वाला मेम्ब्रेन का लेयर हटता जाएगा, नया वाला मेम्ब्रेन का लेयर आता जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो यहां तक मेम्ब्रेन खत्म हुआ, अब हम लोग सेल का अंदर एंटर करेंगे और सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ समराइज कर देता हूँ मैं सेल ऑर्गेनेल को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करेंगे। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, दिस सेल ऑर्गेनेल विच आर हैविंग देयर ओन डीएनए, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए है, सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का अपना डीएनए है, उस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का एग्जांपल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके बाद खुद का अपना डीएनए देखने मिलता है, और इस सेल ऑर्गेनेल के पास आरएनए भी देखने मिलता है और खुद का राइबोसोम होता है, जो कि 70S राइबोसोम। क्या होता है? 70S राइबोसोम। दिस सेल ऑर्गेनेल रिजेंबल विद प्रोकैरियोटिक सेल सो पॉपुलरली कॉल्ड विद इन सेल। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज बाई अल्टमैन, स्किम्पर एंड मार्गुलिस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो असल में एक प्रोकैरियोटिक सेल थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन जब एक यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सेल विद इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? सेल विद इन सेल, मतलब कि सेल के अंदर भी सेल है। और इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे अल्टमैन, स्किम्पर और मार्गुलिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस का साइट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट ऐसा जगह है
जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा जगह, ऐसी साइट है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, सेल रेस्पिरेशन, सेल का रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। फिर बात करते हैं सिम्बायोसिस, टू ऑर्गेनिज्म लिविंग क्लोजली, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्लोजली रह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिम्बायोसिस बोलेंगे। और फिर आता है इंडोसिम्बायोसिस, वन ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड अनदर, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है उसको बोलेंगे इंडोसिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे? इंडोसिम्बायोसिस। जैसे कि पैरासाइट। और फिर बात करते हैं इंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस। तो इंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइड विद इन यूकैरियोटिक सेल। तो कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है कंसिडर किया जाता है कि वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आकर के रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या थी? इंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या क्या एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को क्या क्या एविडेंस सपोर्ट करते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, बैक्टीरिया के जैसा है, जो कि 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का है। और बैक्टीरिया या क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है, साइज जो है 4 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। फिर आता है दे डिवाइड बाय सिंपल डिफ्यूजन लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। और कह रहा है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उस तरीके से डिवाइड करते हैं जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया डिवाइड करता है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन का तरीका। फिर आता है एविडेंस ये कि बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता है और न्यूक्लियर इनवलप देखने नहीं मिलता है। सिमिलरली इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है जिसमें जो कि हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आ रहा है देयर फ्लूड इंटीरियर कॉन्टेन राइबोसोम 70S विच आर सिमिलर टू दोज इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम देखने मिलता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम देखने मिलता है। और फिर जीन्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। और कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जैसे जीन होते हैं, वैसे ही सेम जीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, जो कि यूकैरियोट्स के जीन से बहुत अलग है। तो फाइनली लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी पढ़ लिया, अभी ताज़ा है पढ़ा है आपने, जाइएगा वेबसाइट पर, जाइए विजिट कीजिए, लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए, और वहाँ पे डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए। जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, वो सारे नोट्स भी आप वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे नोट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। और अभी तक 9 लेक्चर कम्प्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ अभी इस लेक्चर, इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर जब कम्प्लीट हो जाएगा तो आपका बाकी जितना भी चैप्टर है सबका बेसिक क्लियर हो जाएगा इसी चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में।